हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे दीपक बहरी द्वारा निर्देशित 22 अक्टूबर 1993 में रिलीज हुई अजय देवगन सर की मूवी एक ही रास्ता मूवी के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में बातें करेंगे इस मूवी के बारे में। तब तक फ्रेंड हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। एक ही रास्ता 1993 में बनी हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। यह फिल्म एक ही रास्ता 1977 की रीमेक है जिसमें रेखा मुख्य कलाकार थी। फिल्म में अजय देवगन, रवीना टंडन, राजा मुराद और शाहिद जाफरी है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी का निर्माता चंदर सदना द्वारा किया गया था और इस मूवी का संगीतकार महेश किशोर द्वारा दिया गया था। दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। कुबला राजा मुराद एक आतंकवादी है जो भारत पर शासन करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे भारतीय सशस्त्र बलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए और वह एक भारतीय सेना अधिकारी विक्रम मोहनीश बहल की अपने दल में भर्ती करता है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए विक्रम एक और सैनिक को मारता है और यह सुनिश्चित करता है कि करण सिंह अजय देवगन एक और सैनिक को दोष मिलेगा। यह योजना के अनुसार चला जाता है और करण सिंह भगौड़ा हो जाता है। तब कुबला और विक्रम कर्नर चौधरी, शाहिद जाफरी और उनकी बेटी प्रिया रवीना टंडन का अपहरण कर लेते हैं। वो भगत सिंह कुलभूषण खरबंदा को उस जानकारी को पता लगाने के लिए 2.5 घंटे देते हैं, नहीं तो फिर कर्नर की हत्या हो जाएगी और प्रिया का बलात्कार कर दिया जाएगा। दोस्तों इस मूवी के बारे में इतना ही बताऊंगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी को बजट कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को बनाने में 2.36 करोड़ की बजट लगा था और इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 4.30 करोड़ का रहा था। तो दोस्तों इस मूवी ने कमाई के मामले में उस टाइम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही बातें करूंगा और दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।